हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम चौधरी, योर बायोलॉजी मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस टू मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है लाइट एनर्जी की। ओके, विदाउट लाइट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इम्पॉसिबल है। तो लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? मेनली ये मिलता है सोलर एनर्जी, मीन्स सन से। लाइट का जो सबसे मेन सोर्स है वो है सन। सन के लाइट को प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है क्लोरोफिल। इट इज अ ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशल सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट इज अ स्पेशल सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ओके, इसे हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं बिकॉज क्लोरोप्लास्ट ही वो सेल ऑर्गेनेल है जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है H2O, वाटर। तो ये वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी होगी सॉइल से, बिकॉज जो वाटर है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है थ्रू द रूट्स। ओके, ये प्लांट का रूट है और ये सॉइल के अंदर हमारे H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इस मेन रूट से बहुत ही छोटे छोटे रूट हेयर्स अराइज होते हैं। दीज आर द रूट हेयर्स और ये रूट हेयर्स वाटर के मॉलिक्यूल को थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन ये एब्जॉर्ब करते हैं और इसको रूट के थ्रू प्लांट के पूरे बॉडी तक पहुंचाते हैं। तो वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कहां से पूरी हो गई? सॉइल से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है CO2। CO2 वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि फर्दर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ओके, तो CO2 की जो रिक्वायरमेंट है वो एयर से पूरी हो जाएगी क्योंकि एयर में CO2 प्रेजेंट है और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट के लीव्स क्या करते हैं, वो उस CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू अ टाइनी पोर्स स्टोमेटा। स्टोमेटा एक ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं जो लीव के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और वो गैस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो सपोज दैट दिस इज अ लीव, इस लीव के सरफेस पर छोटे 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 टाइनी पोर्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा और ये स्टोमेटा क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, CO2 को इनहेल करते हैं और उसके बाद वाटर को भी ये रिलीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इस लीफ का एक सेक्शन देखेंगे हम जिसमें कि कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है उसको हम एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले अगर ये लीफ है तो लीफ का जो ऊपर का सरफेस होता है उसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ओके, लीफ का अपर एपिडर्मिस। सपोज दैट दिस इज अ लीफ, तो लीव के ऊपर का जो सरफेस होता है, दिस इज अ लीव, लीव के ऊपर का जो सरफेस है उसे हम कहेंगे अपर एपिडर्मिस और लीव का लोअर सरफेस को कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। तो लीव के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे बॉडी पर स्किन प्रेजेंट है वैसे ही प्लांट के बॉडी पर भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो दिस इज द अपर एपिडर्मिस और इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिन्हें हम कहते हैं क्यूटिकल्स। वैक्सी सब्सटेंस क्यूटिकल और ये क्यूटिकल क्या करते हैं? ये क्यूटिकल इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा लीव्स के, किसी किसी लीव्स के ऊपर अगर पानी के ड्रॉप्स गिर जाते हैं तो वो लीव्स भीगता नहीं है, पानी के ड्रॉप्स ऐसे ही रहते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल और ये इस लीफ को प्रोटेक्ट करता है। ओके, इस अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कुछ स्पेशल टाइप्स के लॉन्ग लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। इस
सेल को क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल्स। इस सेल्स की बात हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, दैट मीजोफिल सेल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस मीजोफिल के अंदर आपको छोटे छोटे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर द किचन ऑफ द सेल। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ओके, उसके बाद इस ये बीच में आपको एक राउंड से स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस राउंड से स्ट्रक्चर में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर लीफ में देख सकते हैं। इसके बीच से एक मिड रीफ गया हुआ है। हर लीफ के अंदर आपको एक मिड रीफ दिखता है और उस मिड रीफ से बहुत सारे वेन्स निकले हुए नजर आते हैं। इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, इस मिड रीफ के बीच में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं जो कि वेस्कुलर बंडल्स है हमारे। तो दिस इज द जाइलम जो कि वाटर को कंडक्ट करवाता है एंड दिस इज द फ्लोएम और ये फूड को कंडक्ट करवाता है। ओके, उसके बाद ये नीचे का जो सरफेस आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। इस लोअर एपिडर्मिस में आपको कुछ पोर्स दिख रहे होंगे यहां पर। ओके, ये पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। बिकॉज हमने बात किया कि स्टोमेटा इज द टाइनी पोर्स, तो ये जो टाइनी पोर्स आपको दिख रहे हैं दिस इज द स्टोमेटा। और ये जो सेल आपको दिख रहे हैं इस पोर के दोनों साइड में, इस सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ओके, इन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स जो कि स्टोमेटा के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस गार्ड सेल्स का क्या काम है? इस गार्ड सेल्स का काम है ओपन और क्लोज द स्टोमेटा, और इस स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर ये प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा तो इसको चाहिए CO2। वो CO2 एटमोस्फेयर से प्लांट के अंदर लेकर जाना है, तो वो इसी स्टोमेटा के थ्रू एयर से CO2 को अंदर एब्जॉर्ब करेगा। और अगर फोटोसिंथेसिस के बाद इसके पास ऑक्सीजन बना है तो उस ऑक्सीजन को ये अपने बॉडी से बाहर भी इसी स्टोमेटा के थ्रू ही करेगा। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड दूसरा फंक्शन होता है वाटर का ट्रांसपीरेशन। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेक्शन समझ में आ गया है पूरा तो कमेंट में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।